रहीम, आज 13 नवंबर बरोज जुमा हम शारदा जा रहे थे, रास्ते में शेख बेला में फायर शुरू हुआ। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये गांव है तेजियां और यहां कई मकानों को आग लग चुकी है जी। और ये देखें, यहां मकामी लोग रो रहे हैं और बहुत बुरी हालत है। आप देख रहे हैं इस वक्त कई मकानों को आग लग चुकी है और ये सब सिविल आबादी है और इंडिया इन मजलूम मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। ये देखें जी, ये लोग यहाँ रो रहे हैं और इन बेचारों के मकान जल चुके हैं। कोई इंसान भी शहीद हुआ है जी? अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। ये देखें मकामी लोग रो रहे हैं, बुजुर्ग रो रहे हैं और इतनी बुरी हालत है यहाँ। देखें कई मकानों को आग लग चुकी है, लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर अपने लोगों को बचा रहे हैं, अपने असबाब को बचा रहे हैं। बहुत शदीद आग लगी है। साफी हलकों को चाहिए, पाकिस्तानी मीडिया को चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया को चाहिए, हर दर्द दिल रखने वाले इंसान को चाहिए कि इंडिया के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए, इंडिया के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। आज 13 नवंबर 2020 बरोज जुम्मा ये तेजियां गांव है जी, और ये तेजियां गांव में ये इंडियन गोलाबारी से तकरीबन 12:15 दिन को ये गोलाबारी शुरू हुई है। और मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि यहाँ बच्चे किस तरह स्कूलों में मासूर हैं। 200-200 बच्चे, 150-150 बच्चे स्कूलों में मासूर हैं और बेचारे वो वहां पर एक क्यामत का सा मंजर है ये आग की वजह से। ये देखें जी आप किस तरह मकामी लोग बेचारे अपनी मदद आपके तहत अपने घरों को बचाने में लगे हुए हैं। और शदीद फायर हुआ यहाँ पर, तकरीबन 20 मिनट तक बड़ा हैवी फायर होता रहा है। पूरे इंसानियत से हमदर्दी रखने वाले हलकों से, चाहे वो फौज से हों, चाहे वो सहाफती हलकों से हों, चाहे वो दानिश्वर हजरात हों, चाहे वो कोई भी सलाहियत रखते हैं। ये देखें जी लोगों की हालत, ये देखें जी लोगों का, सर्दियों का सामान जल चुका है, उनकी पूरी उम्र की जमा पूंजी जल चुकी है। ये सिविल आबादी है, न यहाँ पर कोई फौज थी, न यहाँ पर कोई और सिस्टम था। ये आम लोगों के घर हैं, आम गांव है जी। ये सड़क के किनारे देखें, आम गांव है। ये खूबसूरत तेजियां का नाला है साथ, ये देखें जी। और यहाँ मकामी लोगों पर ये जुल्म सितम हो रहा है और इंतहाई जुल्म है, मकामी आबादी पर गोलाबारी है। ये खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इन्हें की जो है हर किस्म की हिमायत करें और इंडिया को जुल्म और बर्बरियत से रोकें। ये देखें जी,